हेलो गाइस, तो इस पर इसका नेक्स्ट वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग आके अपना जो परफॉर्म करेंगे तो देखते हैं अभी तक हम लोगों ने कितना काम किया। अभी तक हम लोगों ने किया क्या है, जैसे कि हम लोग इसे आते हैं, कोई भी वॉल्यूम लेते हैं, कोई भी ऑडियो लेते हैं, ये प्ले हो रहा है मतलब यहाँ पे, मगर अब ये शो नहीं कर रहा है क्योंकि अब इंक्रीज़ करने पर ये शो कर रहा है। तो देखो ये प्रॉब्लम क्या हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, शो कर रहा है, राइट, ये भी सही कर रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, अच्छे से परफॉर्म। देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे आके प्ले करने पे कर रहे हैं, जो अपडेट नहीं कर रहा है वहाँ पे, तो आते जैसे ही ये, मतलब कि हमारा जैसे ही म्यूज़िक प्ले हो, राइट, जैसे ही म्यूज़िक हमारा प्ले हो तब हम लोग यहाँ आके वैल्यू को सेट कर देते हैं, राइट। तो आते हम लोग यहाँ पे, जहाँ पे वैल्यू सेट किए हैं यहीं पे आकर के 0.4 तो किए ही हम लोग। यहाँ पे आते हैं प्रोग्रेस बार वॉल्यूम, जो है प्रोग्रेस बार वॉल्यूम, इसकी जो प्रोग्रेस बार वॉल्यूम, इसका नेम क्या है देखते हैं हम लोग, प्रोग्रेस बार वॉल्यूम, राइट, प्रोग्रेस बार वॉल्यूम ही है। तो इसकी जो वैल्यू है, हम लोग इसकी पी वैल्यू ना करके इसकी वैल्यू को हम लोग यहीं पे अपडेट कर देंगे। वैल्यू अभी तो 0 है इसकी, ठीक, यहाँ पे से हम लोग इसकी वैल्यू को हटा ही देते हैं, पी वैल्यू को, पी वैल्यू करके कोई फ़ायदा नहीं है, राइट, इसे हटा दिए। तो इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सीधा मॉडिफाई कर देंगे, जैसे हमारा प्ले सॉन्ग हो देखते हैं हम लोग, सॉन्ग जैसे हमारा प्ले हो, कहाँ पे गया प्ले का ऑप्शन, हाँ प्ले ये रहा, ये रहा हमारा, जैसे हम लोग इसे मॉडिफाई कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को सेट कर दे रहे हैं, राइट, सेट करते ही तो हमारा जो हो प्रोग्रेस बार वॉल्यूम, वॉल्यूम वैल्यू इक्वल टू हम लोग क्या कर दें, 40 कर दें, राइट, इक्वल टू 40 कर देते हैं, और हमारा जो सही है 40 कर दिए। देखते हैं प्रोग्रेस बार का, प्रोग्रेस बार वॉल्यूम ही है, और इसका लेबल जो है हमारा परसेंटेज का, कंट्रोल सी करते हैं, इसको मॉडिफाई करके हम लोग कर देंगे 40। अभी बताता हूँ मैं, देखो ये कर दिए हम लोग, इसको मॉडिफाई करके कर देंगे, इसके टेक्स्ट को भी हम लोग कर देते हैं, इसे हम लोग कॉन्फिगर भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल टू 40% कर देते हैं। अब देखो हमारा ये राइट होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे जैसे ही प्ले कर रहे हैं तो हम लोग जाके कर रहे हैं। अब देखो प्ले ये 40% पे है, ये अपडेट कर रहे हैं हम लोग, ये वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गई, डिक्रीज़ करने पर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गई, अब ये सही से काम कर रहा है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमारा म्यूज़िक प्ले हो रहा है हम लोग उस म्यूज़िक की, म्यूज़िक का ऑडियो जो है उसे सेट कर दे रहे हैं 40% पे और अपडेट कर दे रहे हैं, और जैसे जैसे फिर इंक्रीज़ करने की बात जहाँ पे आएगी, जहाँ पे वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन कर रहे हैं, यहाँ पे आके हम लोग अपडेट कर ही रहे हैं। तो ऐसे हमारा काम हो रहा है। हम लोग आते हैं म्यूज़िक प्लेयर का बनाने, म्यूज़िक का वो बनाना, ये सबसे टफ़ है क्योंकि अभी तक में मुझे म्यूज़िक का ही सबसे टफ़ लगा। करते हैं इतना बार, देखो सब काम हो रहा है अच्छे से, डिक्रीज़ कर रहे हैं, सब हो रहा है अच्छे से, अब बस हमारे पास एक ही करना बाकी, यहाँ पे हमें लगाना है म्यूज़िक बार, मतलब कि हमारा म्यूज़िक कितना प्ले हो चुका है, कितना भी बाकी है उसे लगाना है। तो आते हैं अब हम लोग उस पर काम करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग बनाते क्या हैं, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं प्रोग्रेस बार म्यूज़िक के लिए यहाँ पे आते हैं, एक प्रोग्रेस बार का फंक्शन बना देते हैं, तो यहीं पर बनाता हूँ मैं, इस पर बहुत टाइम लगेगा आई थिंक, टाइम का पता नहीं। प्रोग्रेस बार म्यूज़िक, राइट, प्रोग्रेस बार म्यूज़िक बना दिया। अब इसमें देखो हमें क्या करना है, इसमें हमें कुछ चीज़ें लेनी है, मैं दिखा रहा हूँ अभी, सिंपल म्यूज़िक प्लेयर, अब दिखाता हूँ मैं इसमें मुझे क्या क्या लेना है, मैं दिखाऊंगा तभी समझ में आएगा अच्छे से, थोड़ा देखते हैं। देखो पॉज किया, देखो इसमें क्या लेना है मुझे, एक पहले लेबल लेना है, ठीक, जिसके अंदर मुझे एक लेबल लेना है, एक प्रोग्रेस बार लेना है, ठीक, एक लेबल एक प्रोग्रेस बार, लेबल उसके अंदर प्रोग्रेस बार, और एक लेबल और आगे लेना होगा, एक लेबल ये लेना होगा जो ये शो करेगा, एक लेबल ये लेना होगा, दो लेबल, एक लेबल जो रहेगा वो इसके लिए रहेगा, जो मतलब हमारा जो ये प्रोग्रेस बार है इस पे रहेगा, यानी तीन लेबल हमें बनाना पड़ेगा और एक प्रोग्रेस बार, तीन लेबल एक प्रोग्रेस बार बनाना पड़ेगा, राइट। तो आते हैं हम लोग तीन लेबल और एक प्रोग्रेस बार बनाते हैं, तो प्रोग्रेस बार लेबल करते हैं, प्रोग्रेस बार म्यूजिक लेबल करते हैं, म्यूजिक लेबल इक्वल टू करता हूँ मैं, इसे मैं कॉपी करता हूँ, इसे मैं कॉपी कर लिया कंट्रोल सी करके, कंट्रोल वी कर दिया, कॉपी कर दिया, लेबल हो गया हमारा ये। अब इसके बाद हम लोग इसमें करते हैं ग्रिड कर देते हैं, इसे ग्रिड करने के लिए हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं सिंपल से, कंट्रोल वी करता हूँ मैं, और यहाँ पे आके मैं यहाँ पे कर देता हूँ म्यूजिक, म्यूज़िक कर दिया मैं, म्यूज़िक कर दिया, सही है। इसका रो वही रहेगा, रो रहेगा इसका 0 नहीं, रो रहेगा 3 रहेगा रो, क्योंकि रो थर्ड पे आ रहा है, ये
कॉलम इसका रहेगा जीरो रहेगा, जीरो कॉलम से स्टार्ट करेगा ये, और इसमें रहेगा कॉलम स्पैन, कॉलम स्पैन हम लोग करेंगे, कॉलम स्पैन करेंगे पूरा जितना का जितना है सारे के सारे को हम लोग को कॉलम स्पैम करना है, ठीक है। प्रोग्रेस बार म्यूजिक लेवल कॉलम स्पैम थ्री कर देते हैं, तो थ्री है, थ्री में सारा का सारा आ जाएगा। इसमें हम लोग करते हैं पैड एक्स पैड वाई 20 रहने देते हैं, स्टिकी कर देते हैं, तो स्टिकी अभी रहने देता हूँ मैं, अभी तुम लोग को दिखाता हूँ स्टिकी से क्या होगा। तो ये आ गया इतना हमारे पास, हम लोग बनाते हैं यहाँ पे एक और। अब बनाना है हमें क्या, प्रोग्रेस बार स्टार्ट टाइम, राइट, कंट्रोल सी करता हूँ मैं, कंट्रोल वी कर दिया, प्रोग्रेस बार म्यूजिक स्टार्ट टाइम, प्रोग्रेस बार म्यूजिक स्टार्ट टाइम, टाइम सही है, स्टार्ट टाइम हो गया। इसमें टी आ गया एक्स्ट्रा, टी हटा देते हैं। इसमें देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग को रो जीरो कॉलम जीरो पर रखना पड़ेगा। इसे हम लोग प्लेस कहाँ करेंगे, पहली बात प्लेस करना कहाँ पे, हमें प्लेस हमें करना है प्रोग्रेस बार म्यूजिक लेबल पे, म्यूजिक लेबल पे प्लेस करना है, क्योंकि एक ही बनाएंगे उसी में हम लोग एक और लेबल को प्लेस कर रहे हैं, राइट, एक और लेबल को हम लोग उसी में प्लेस कर दे रहे हैं जो हमारा टाइम दिखाएगा स्टार्ट टाइम। तो ठीक है, इसे हम लोग प्लेस कर दिए, टेक्स्ट में हम लोग डाल देते हैं, अभी के लिए टेक्स्ट में डाल देते हैं जीरो 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 डाल देते हैं टेक्स्ट में, राइट, टेक्स्ट में जीरो जीरो डाल दिए। और यहाँ पे आते हैं हम लोग सिंपल से, यहाँ पे कॉलम कर देते हैं जीरो जीरो इसका कर देते हैं, यहाँ से पैड एक्स पैड वाई हटा देते हैं सब, और कॉलम स्पैम हटा देते हैं क्योंकि इसका काम ही नहीं है, यहाँ पे हटा दिए, राइट। हम लोग देखते हैं इसे रन करके, तो देखो ये जीरो 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 इसमें आ रहा है, राइट, ये हमारा स्टार्ट हो गया। अब हम लोग करते हैं, हम लोग का सेकेंड काम क्या होगा, इसका इंड का बनाना, राइट, तो इसी को कॉपी करते हैं हम, सेम इसी साइज का बनाएंगे, इंड का भी बना देंगे स्टार्ट के, यहाँ हम लोग लिख देते हैं एंड, स्टार्ट के यहाँ लिख देते हैं एंड, सॉरी एंड लिख देते हैं, अच्छा हम लोग स्टार्ट का टाइम गलत लिखे हैं, स्टार लिख दिए, वो टी रहेगा ही, एस टी आर टी स्टार्ट, राइट स्टार्ट, अब सही है। देखो हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये यह हमारा एंड हो गया। इसमें हम लोग देखते हैं रो और कॉलम कौन सा रखना है हमें, क्योंकि इसमें तो हमें लास्ट में रखना है ना, तो रो रख देते हैं हम लोग, रो सही है जीरो, रो रखेंगे हम लोग, रो ज़ीरो रखेंगे, कॉलम रखेंगे हम लोग वन। इसमें देखो हम लोग फालतू में रो थ्री किए हैं, वो जीरो रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें कुछ दिक्कत आ रही है मुझे लग रहा है, एंड टाइम ये रहा टी इसमें से गायब है, राइट। हम लोग देखते हैं रन करके, ये देखो सही है, ये दोनों साइड का सही कर रहा है सो। तो अब देखो दिक्कत, अब बस कहाँ प्रॉब्लम थोड़ी सी है, हम लोग को करना क्या है, इसे हम लोग टू पे करते हैं, राइट, टू पे करते हैं, क्योंकि अभी हमारे बीच में एक आएगा प्रोग्रेस बार, हम लोग प्रोग्रेस बार को अब लगाते हैं, प्रोग्रेस बार म्यूजिक, राइट, प्रोग्रेस बार म्यूजिक कर देते हैं इसका नेम, प्रोग्रेस बार अब ला देते हैं इसमें, प्रोग्रेस बार ला के इसमें भी वही वैल्यू करेंगे हम लोग, देखता हूँ मैं थोड़ा सा टाइम देख लेता हूँ, सही है, प्रोग्रेस बार देखते हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, ओरिएंट, ओरिएंट हमें इसमें डालना है, और पहले इसे हमें किस में डालना है, प्रोग्रेस बार लेबल म्यूजिक में डालना है, प्रोग्रेस बार म्यूजिक लेबल में डालना है, राइट। अब हम लोग को देखना है ओ आर आई, ओरिएंट, ओरिएंट हमें क्या डालना है, हॉरिजॉन्टल डालना है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब कि हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल था हमारा म्यूजिक का, ठीक। अब इसके बाद मोड हम लोग को इसमें डालना है, मोड इक्वल टू डिटरमिनेट, डिटरमिनेट, राइट, डिटरमिनेट डाल दिए। अब हम लोग सिंपल सी से करते हैं, वैल्यू इसकी चेंज कर देते हैं, ठीक है, वैल्यू इक्वल टू कर देते हैं जीरो कॉमा, इस वैल्यू को अपडेट करेंगे जैसे जैसे हमें मिलेगा, लेंथ इक्वल टू कर देता हूं मैं, अभी दिखाता हूं मैं, वैल्यू इक्वल टू जीरो, लेंथ अभी ना बढ़ा के मैं अभी इसे प्लेस करता हूं। प्रोग्रेस बार म्यूजिक, डॉट ग्रिड कर देता हूं मैं, ग्रिड करके इसे मैं डालता हूं रो जीरो पे, रो इक्वल टू जीरो पे रहेगा ये, कॉलम इसका रहेगा वन, कॉलम इक्वल टू वन कर देते हैं हम लोग, बस अभी से हम लोग रन करते हैं, देखते हैं ये क्या प्रॉब्लम आ गया, डिटरमिनेट, फिर से डिटरमिनेट की मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, डी टी लिख दिया बस मैं, डिटरमिनेट, मैं इसे रन करता हूँ, देखो ये आया बहुत छोटा सा आया, अब मुझे इसे इंक्रीज करना है थोड़ा, ठीक है। तो अब मैं क्या काम करता हूँ इसे इंक्रीज करने के लिए, हाँ यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए आई पैड एक्स होता है इसमें, ठीक है,
आई पैड एक्स, आई पैड एक्स से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, मैं करता हूँ 300, राइट, आई पैड एक्स 300, देखो ये इंक्रीज तो हुआ, तो कम हुआ है 370 करता हूँ मैं इसे, 370 ही था शायद, हाँ सही इतना ही बड़ा था, 370 हो गया, ठीक इतना हो गया हमारे पास। आई पैड वाई भी मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा पतला ज़्यादा दिख रहा है, आई पैड वाई इक्वल टू 3 कर देता हूँ मैं। अब देखते हैं हम लोग, देखो बराबर एकदम दिख रहा है, एकदम हमारा सही दिख रहा है। वैल्यू इसकी थोड़ी हम लोग इंक्रीज करके देख लेते हैं, वैल्यू हम लोग 0 दिए हैं, वैल्यू दे देते हैं 50%, देखो ये 50% दिख रहा है, ये हमारा मतलब एकदम वर्किंग अब होने वाला है, हमारा बस काम हो ही गया समझ लो, इसे हम लोग 0 कर दिए, ठीक। अब इतना हमारा काम हो गया, हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग रिमूव करेंगे, तो रिमूव तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें जब हम प्ले करें तब ना हमारा ये शो करें। देखते हैं इसे हम लोग प्ले करने के लिए, प्रोग्रेस बार म्यूजिक डॉट ग्रिड रिमूव, राइट, हम लोग जैसे ही इसे प्ले करेंगे सॉन्ग को वैसे ही हमारा शो कर जाए। आते हैं हम लोग प्ले वाले पे, यहाँ पे आके हम लोग सिंपल से देखते हैं, म्यूजिक डॉट प्ले के ऊपर ही कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं, प्रोग्रेस बार म्यूजिक डॉट ग्रिड, और ये एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग अभी ग्लोबल इसे नहीं बनाए हैं, हम लोग इसे ग्लोबल बना देते हैं, कॉमा सॉरी कैपिटल प्रोग्रेस बार एम यू एस आई सी म्यूजिक, राइट। अब देखो अभी यहाँ पे से एरर हट गया होगा, प्रोग्रेस बार म्यूजिक, तो स्पेलिंग में गलत लिखा हूँ, एम यू एस आई सी यहाँ पे गलत लिख दिया हूँ, एम यू एस आई सी प्रोग्रेस बार म्यूजिक। अब देखते हैं हम लोग जब प्ले करेंगे तभी हमारा सब कुछ आएगा। अरे यार ये क्या हो रहा है, तो देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, प्रोग्रेस बार म्यूजिक, ओहो प्रोग्रेस बार म्यूजिक लेबल मुझे करना है ना, लेबल, क्योंकि हम लोग लेबल के ऊपर ही सब कुछ रखे हैं ना, तो मैं यहाँ पे प्रोग्रेस बार म्यूजिक गड़बड़ कर रहा था, प्रोग्रेस बार म्यूजिक लेबल सही है। अब हम लोग लेबल को ही हम लोग ग्रिड भी कर देते हैं ग्रिड रिमूव कर देते हैं, क्योंकि सबको करके क्या फ़ायदा, जब एक से हम एक ही के ऊपर सबको डाल रहे हैं ना, कंट्रोल एक्स प्रोग्रेस बार म्यूजिक लेबल डॉट ग्रिड रिमूव, राइट, हम रन करते हैं, देखो हमारा सही है। आते हैं हम लोग कोई प्ले करते हैं सॉन्ग, प्ले सब कुछ आ गया, अब बस हमारा क्या दिक्कत है, ये म्यूजिक चल नहीं रहा है, इसका मतलब कि लेंथ नहीं दिखा रहा है, मतलब कितना बड़ा है वो पता चल जाए और स्टार्ट इसका टाइम पता चल जाए, ठीक है, बस इतना ही हमें अब करना है। तो इतना हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग सेटअप करेंगे, सेटअप मतलब कि इसे एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे। ओके थैंक यू।